किचन में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। आज दोस्तों मैं लेके आई हूँ आपके लिए टमाटर की बर्फी। टमाटर की बर्फी बनाइए और खाइए। देखिए मैं बहुत आसान तरीके से इसको बता रही हूँ। ये टमाटर है 3, इसको आप ले लीजिए और अच्छे से उबाल के पीसना है इसको। ये देखिए लाल टमाटर, लेकिन टमाटर एकदम लाल लेना है, टमाटर जरा सा भी हरा नहीं होना चाहिए। और इसमें सामान चाहिए, देखिए 1 कटोरी गरे का बुरादा है, 1 कटोरी खोया है, ये छोटी कटोरी पनीर है, 1 छोटी कटोरी शक्कर है, और ये थोड़ी काजू है, थोड़ा सा बादाम है, पिस्ता है, और इलायची पाउडर है, थोड़ा सा मैंने तिल लिया है। यहाँ तिल ऑप्शनल है, आपकी मर्जी हो डाल सकती हूँ, नहीं डाल सकती, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं डालती हूँ। ये तो छोटी कटोरी घी। टमाटर को हमने उबाल के इस तरह से प्यूरी बना लिया है, जैसे आप लोग सब्जियों में उबाल के प्यूरी बनाती हैं वैसे आप प्यूरी बना लीजिएगा। और ये पनीर को भी थोड़ा सा पीस लीजिएगा, पीस लेने से जो है ये थोड़ा इसके सौ खत्म हो जाएंगे, दाने चिकना हो जाएगा, इसलिए इसको पीसना जो है जरूरी है। गैस पे मैंने एक पैन चढ़ा दिया, इस पैन में पहले मैं तेल को भूनूंगी। ये देखिए ये तेल जो है भून गया हल्का सा, इसको भून के जो है हम निकाल लेंगे। हम एक कटोरी में इसको निकाल के हम थोड़ा सा घी डालेंगे, अभी आधा ही घी डालेंगे, अभी इसमें हम पूरा नहीं डालना, दे रहा है। और इसमें हम जो है सारे ड्राई फ्रूट्स जो है थोड़े थोड़े बचा लेंगे, इसलिए कि ऊपर से गार्निश करने के लिए चाहिए, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी जो है सारे ड्राई फ्रूट्स जो है डाल के थोड़ा सा हल्के हाथ से इसको फ्राई करके रख लेना। फिर इसमें थोड़ा ये जो बचा हुआ घी है इसको हमें डालना है, इसको हमें इसमें डाल देना है। फिर इसमें हम जो है ये जो है पनीर जो है इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और ये तो धीमी आंच पे ही बनाना है, बहुत तेज आंच नहीं करना है, नहीं तो ये जल जाएगा। इसमें पनीर हम धीरे धीरे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे हाथ से। देखिए हम ऐसे से पनीर अच्छे से भून लिया हमने, थोड़ा सा लाल हो जाए, बहुत ज़्यादा नहीं लाल होना है, हल्का सा लाल होना है इसमें। उसके बाद मुझे इसमें टमाटर की प्यूरी डाल देनी है और फिर इसको भी बहुत अच्छे से जो है हमें भून लेना है, धीमी आंच पे ही भूनना है। ये टमाटर को भूनते हुए फिर इसमें एक खोया भी डाल देना है और शक्कर भी डाल देनी है। शक्कर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, कोई इसमें कम भी जो मीठा का खाता हो कम मीठा बनाए, जो तेज ज़्यादा खाता हो मीठा बनाए। ये भूनते भूनते इस तरह से हो जाएगा, ये जो घी मैं डाली हूँ हल्की हल्की सी घी जो है टूटने लगेगा। फिर इसमें हम जो है ये गरी का बुरादा अच्छे से मिला देंगे डाल के। देखिए मेरी गरी की बर्फी स्वादिष्ट और अच्छी तैयार हो गई है। उसी में जो है मैं थोड़ा सा ये इलायची पाउडर और ये ड्राई फ्रूट्स सब जो है इसमें अच्छे से मिला देंगे। ये देखिए पूरा मिल गया अच्छे से। अब मैं गैस बंद कर दूंगी और मैंने जो है एक प्लेट लिया है इसमें मैंने घी लगा लिया है। घी लगा के इसको अच्छे से जो है इसको मैं पलट दूंगी, इसमें पलट के इसको हमने अच्छे से जो है फैला दिया। एकदम फैला दिया, फैला के इसको जो है अच्छे से अब इसको 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देना है, उसके बाद फिर इसको काटना है। ऊपर से ये जो मैंने ड्राई फ्रूट्स बचा के रखा था ये सारे ड्राई फ्रूट्स जो है अच्छे से सजा देंगे, डाल देंगे तो इसके दूध बहुत अच्छा आ जाएगा। फिर इसको ठंडा होने के लिए 10 मिनट के लिए रख देंगे, उसके बाद आराम से आप खाइए और खिलाइए। बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छी बर्फी होती है हमारे हिसाब से, तो बहुत लोगों ने
सुना भी नहीं होगा, क्योंकि कोई किसी से कहो कि अरे टमाटर की बर्फी, ये कोई खाने की चीज होती है? टमाटर तो खाली सब्जियों के लिए बना होता है। आज तक सबने यही सुना होगा कि टमाटर सिर्फ बर्फी, टमाटर सिर्फ सब्जियों के लिए बना होता है, सब्जी में डाला जाता है, इसकी बर्फी तो बन नहीं सकती। लेकिन देखिए आज मैंने नई चीज आप लोगों के लिए बनाया है, आप लोग टमाटर की बर्फी खाइए और खिलाइए। अभी मैं इसको ठंडा करके आप लोगों को देती हूँ। देखिए ठंडा हो गया, ये ठंडा हो गया बर्फी हमारी। अब इसको हम अच्छे से जो है कटिंग करते हैं, ये अच्छे से जो है मैंने इसको काट लिया। ये देखिए ये मेरी बर्फी बनके तैयार हो गई है। चलिए दोस्तों शुरू हो जाते हैं हम लोग बर्फी खाने, टमाटर की बर्फी। आइए दोस्तों हम लोग टमाटर की बर्फी खाते हैं, एंजॉय करते हैं। आप लोगों को अगर मेरी टमाटर की बर्फी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक करिएगा। मैं आप लोगों से जो है कहती हूँ, हो सकता है मैं अगली बार और अच्छी रेसिपी लेके आऊंगी, कुछ नई रेसिपी लेके आऊंगी मैं अपने अगली बार आप लोगों के लिए। लीजिए आप लोग टमाटर की बर्फी खाइए और खुश रहिए। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब और लाइक करिएगा ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ। थैंक यू सो मच, गुड डे।